हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्रीज के बारे में। जर्नल एंट्रीज की एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसमें हमने देखा था कि अगर किसी भी स्टूडेंट को जर्नल एंट्री को पास करने के रूल्स अंडरस्टैंड नहीं होते तो उस केस में हम विदाउट लर्निंग एनी रूल अपनी जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट कर सकते हैं। लेकिन वो जर्नल एंट्रीज कुछ ऐसी थी जो थोड़ी सी बहुत ही सिंपल थी। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती हैं, आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ डेबिट करनी है और कौन सी चीज़ क्रेडिट करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितनी अमाउंट के लिए डेबिट करनी है और कितनी अमाउंट के लिए क्रेडिट करनी है। इस वीडियो में हम कुछ कंफ्यूजिंग जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट भी हमारा इसी वीडियो में आएगा, सेकंड पार्ट भी हमारा इसी वीडियो में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम उस जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगी, नॉर्मल लेवल की होंगी। सेकेंड पार्ट में हम उन एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो इनसे थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी, जो कॉम्प्लेक्स होंगी और जो थोड़ी लेंथी होंगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, आपको डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है ये नहीं समझ आता, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि उस वीडियो को देख कर आइए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है और आपको समझ आता है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी डिफ़िकल्ट लेवल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री को रीड कर लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ मशीनरी ऑफ ₹4,000 वो सोल्ड फॉर ₹5,200। Depreciation provision to date was ₹400. Commission paid to selling agent was ₹320 and wages paid to the workers for removing the machine was ₹50. इसमें हमें कहा गया है कि हमने मशीन जो कि 4000 की परचेज की थी उसको हमने सोल्ड कर दिया 5200 का। उसके साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस मशीन को यूज़ करने के लिए हमें जो डेप्रिसिएशन लगी वो है 400। इस मशीन को मार्केट में सेल करने के लिए हमें कमीशन पे करनी पड़ी सेलिंग एजेंट को, वो है 320। वेजेस पे करने पड़े हमें मशीन को रिमूव करने के लिए ₹50। ये सभी एक्सपेंसेस मशीन के साथ रिलेटेड हैं, मशीन को सेल करने से रिलेटेड हैं। तो इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी ये हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, हम कंबाइन एंट्री पास कर दें। लेकिन कंबाइन एंट्री पास करने के चक्कर में वो अपना आंसर ही गलत कर देते हैं। करेक्ट एंट्री पास क्या की जाए उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब इसमें हमें कहा गया है कि 4000 की मशीनरी है, मशीन की अमाउंट है हमारे पास 4000, मशीन को यूज़ करने के एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 400, इसको हम लेस कर देते हैं क्योंकि हमने मशीन को इतना यूज़ कर लिया है। 4000 की हमने परचेज़ की थी उसमें से हमने उसको 400 का यूज़ कर लिया, तो उसकी वैल्यू अब डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू जो है अब 3600 है। 3600 वाली मशीन को हमने 5200 का सेल किया, लेकिन इस पर भी हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। हमें 5200 मिला मशीन को सेल करने का, लेकिन 320 तो हमने सेलिंग एजेंट को दे दिया, हमें पूरा 5200 नहीं मिला, उसमें से हम 320 लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारे मशीन को सेल करने के एक्सपेंसेस हैं और ये एक्सपेंसेस हमेशा ही जो सेलर होता है वही बेयर करता है। अगर मेंशन नहीं किया गया तो ये सेलर के लिए ही एक्सपेंसेस हैं। साथ में वेजेस भी पे करने पड़े, उसको भी लेस कर देंगे। 5200 की हमने मशीन सेल की, उसको सेल करने के लिए 320 के हमने कमीशन पे की और 50 रुपीज़ की हमने
वेजेस पे की. सो माइनस करने पर हमारे पास आएगा 4830. सो अब हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ गई. अब इसका मतलब 4830 रुपीज़ हमें रिसीव हुए. क्यों रिसीव हुआ? क्योंकि हमने 3600 वाली मशीन को सेल किया. सो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ. सो प्रॉफिट का डिफरेंस हमारे पास आएगा 1230 रुपीज़. सो कैलकुलेशन करने के बाद जो रॉन्ग जर्नल एंट्री पास करते हैं हम वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मशीन को सेल करने पर इतना कैश आया, तो वो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं सबसे पहले. फोर एट थ्री ज़ीरो. फिर वो कहते हैं कि मशीन को सेल करने के लिए हमें कमीशन पे करनी पड़ी. कमीशन हमारा एक्सपेंस है, तो उसको भी वो डेबिट कर देते हैं. फिर वेजेस पे करने पड़े, वो भी एक्सपेंसेस हैं इसलिए उसको भी वो डेबिट कर देंगे. सो डेबिट कर रहे हैं, ये तो सही है क्योंकि हमने देखा था कि एसेट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम डेबिट करेंगे, या फिर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे. सो जो कर रहे हैं डेबिट या क्रेडिट वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन जर्नल एंट्री फिर भी आपकी रॉन्ग ही मानी जाएगी. सो वो क्यों मानी जाएगी वो हम देख लेंगे. नेक्स्ट वो कहेंगे कि मशीन की डेप्रिसिएशन लगी है, तो मशीन की डेप्रिसिएशन को भी वो चार्ज करेंगे. डेबिट करने के बाद अब वो कहेंगे कि हमने मशीन को सेल किया है, तो मशीन हमारी एसेट है, सेल करने पर मशीन हमसे डिक्रीज हो रही है तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे. 3600 की हमने 3600 वाली बेची थी इसलिए इधर 3600 आ जाएगा. नेक्स्ट सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ था तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे. प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे. 1230 का हमें प्रॉफिट हुआ. अब इन एक्सपेंसेस को हमें कैश में पेमेंट करनी होती है इसलिए हम टू कैश भी कर देंगे. 370. सो ये जर्नल एंट्री आपकी रॉन्ग मानी जाएगी क्योंकि इतनी सारी कंबाइन एंट्रीज हम नहीं पास कर सकते. हमें कंबाइन एंट्री पास करते हुए एक रूल को फॉलो करना पड़ता है कि कंबाइन एंट्री उन्हीं की पास की जाएगी जो रिलेटेड आइटम्स हैं. सो ये रिलेटेड आइटम्स नहीं हैं. सबसे पहले हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी मशीन को डेप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमने मशीन को परचेस किया तो मशीन को परचेस करने की एंट्री पास करेंगे, लेकिन वो एंट्री हमें यहाँ पर नहीं पूछी गई. सेकंड नंबर पर मशीन को जब हमने परचेस कर लिया, उसको यूज़ करना शुरू किया, तो हम उसको अब डेप्रिशिएट करेंगे. सो इसका मतलब जो भी एंट्री हमें पास करनी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए पास करनी है, मतलब टाइम टाइम पर पास करनी है. ये नहीं कि डायरेक्टली हमने परचेज की अब उसको सेल कर दिया, डेप्रिसिएशन की एंट्री बाद में चार्ज कर रहे हैं. सो डेप्रिसिएशन पहले चार्ज की जाएगी. हम ऐसे कंबाइन एंट्री डेप्रिसिएशन की चार्ज नहीं कर सकते. सो सबसे पहले डेप्रिसिएशन को हम पास करेंगे. सो डेप्रिसिएशन की सिंपल एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. सो डेप्रिसिएशन 400 की है, मशीनरी हमारी 400 से डिक्रीज हो गई. डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद, मतलब मशीन को यूज़ किया, मशीन को यूज़ करने के बाद उसको डेप्रिशिएट कर दिया. अब डेप्रिशिएट करने के बाद उस मशीन को बेचने के बारे में सोचा. सो हम मशीन को बेचने के लिए सेलिंग एजेंट के पास गए कि उसको हम बेच सकें, तो इसका मतलब अब सेलिंग एजेंट को हमने कमीशन पे करनी है. जब सेलिंग एजेंट को पता लग गया कि इस मशीन को परचेज करने के लिए एक पर्टिकुलर बायर है, तब वो हमारे पास आया कि इस बायर ने आपसे मशीनरी परचेज करनी है, आप इसको सेल कर दीजिए. तो इसका मतलब जब हमारे पास सेलिंग एजेंट बायर लेकर आया तभी हमने उसको कमीशन पे की, साथ ही में हमने एक पर्सन को भी हायर कर लिया जो उस मशीन को रिमूव करेगा. सो इसका मतलब सेल करने से पहले हमने सेलिंग एजेंट को कमीशन दी और एक पर्सन को वेजिस पे किए. सो अब हम उसकी एंट्री पास करेंगे. सो कमीशन
to selling agent, account debit 320, wages for removing the machinery rupees 50. ये हमने कैश में पेमेंट की, सो कैश हमारी डिक्रीज हो गई तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे. सो हम ऐसे क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज टाइम वाइज हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ की कंबाइन एंट्री पास नहीं कर सकते. लास्ट में हम मशीन को सेल करने की एंट्री पास करेंगे. सो मशीन को सेल करने के लिए हमें 320 की पेमेंट करनी पड़ी और 50 की पेमेंट करनी पड़ी. सो अब हमारे पास ये कैलकुलेशन यूज़ होगी. 3600 वाली मशीन को हमने 4830 में सेल किया, जिससे हमें 1230 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. सो इसके रिगार्डिंग हम दो जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं. फर्स्ट हमारे पास आ सकती है कैश अकाउंट डेबिट 4830, मशीन हमने सेल की है, एसेट है, एसेट हमसे डिक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे. 3600 वाली सेल की है, डिफरेंस जो आएगा वो हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस. सो फर्स्ट हमारे पास ये हो गई. सेकंड हम 5200 की पास कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही जर्नल एंट्री पास कीजिए क्योंकि हमने प्रीवियसली एंट्रीज पास कर दी हैं. सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि कंबाइन एंट्री डायरेक्टली हम पास नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी रोंग हो सकती है. जर्नल एंट्री को पास करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, कंबाइन एंट्री को पास करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. सो यही प्रोसीजर मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाने की कोशिश की है. सबसे पहले हमने मशीनरी को परचेज किया, परचेज करने के बाद उसको यूज़ किया, उसकी डेप्रिसिएशन हो गई. यूज़ करने के बाद उसको हमने सेल करने के बारे में सोचा, सेलिंग एजेंट के पास गए, वो हमारे पास बायर लेकर आया, हमने उसको कमीशन दी और मशीनरी को रिमूव करने के लिए वेजेस की पेमेंट की. इतना सब करने के बाद बायर ने हमसे परचेज कर ली और उसने हमें कैश पेमेंट कर दी. सो लास्ट में सेल करने की एंट्री. सो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी जो कि थोड़ी लेंथी हो गई और थोड़ी टिपिकल भी थी इसीलिए. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. सो सेकंड हमारे पास है ए परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम बी By getting a trade discount of 10%. So सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग पता होना चाहिए. अकाउंटिंग में हमसे दो तरह के डिस्काउंट्स के बारे में पूछा जा सकता है. फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड डिस्काउंट और सेकेंड हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट. सो नेम से ही पता चल रहा है ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए, उससे किसी चीज़ की अमाउंट के बारे में पूछा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कह दिया 50 रुपीज़, तो आप उससे नेगोशिएशंस करने लगे. तो नेगोशिएशन करते वक्त जो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा उसको आप ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे. लेकिन नेगोशिएशन करने के बाद जब आप उसको कहें कि मैं इसकी अमाउंट आपको कैश में दे दूंगा अभी के अभी, तब आप बताइए कि अब आप मेरे को कितना डिस्काउंट देंगे, तो उसको हम कहेंगे कैश डिस्काउंट. उसको कैश डिस्काउंट इसलिए कहेंगे क्योंकि वो कैश की पेमेंट करते वक्त हमने रिसीव किया. सो सिंपल सा डिफरेंस है. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट जब आप नेगोशिएशन करते हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने से पहले. कैश डिस्काउंट वो है जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मैंने इसी को परचेज करना है और आप कैश की पेमेंट करने के लिए भी रेडी हैं, तब आप पूछ रहे हैं कि आपको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा. सो दोनों ही केसेस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं वो हम देख लेते हैं. सो इसमें हमें नहीं बताया गया कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जर्नल एंट्री पास करनी है. हमें एज अ परचेजर भी जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, एज अ सेलर भी पूछी जा सकती है. सो हम दोनों के लिए देख लेते हैं, एज अ बायर और एज अ सेलर. सो ए ने परचेज की 20,000 की गुड्स बी से और उसको परचेज करने पर उसको 10% डिस्काउंट मिला. सो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे सबसे पहले.
लेकिन कितनी अमाउंट से करेंगे? डिस्काउंट रिसीव करने के बाद वाली अमाउंट से. सो 20,000 की गुड्स थी, उसके ऊपर 10% अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2,000. सो 20,000 में से 2,000 को हम लेस कर देंगे जो हमें डिस्काउंट मिला. सो 18,000 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. अब ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जिसको आपको जर्नल एंट्री में मेंशन नहीं करना होता. सो इसका मतलब 20,000 की गुड्स पर हमें जो 10% का डिस्काउंट मिला है उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी. सो हमने परचेज किया है बी से. अब यहाँ पर कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश की पेमेंट की. सो इसका मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज किया. सो इसलिए हम यहाँ पर कैश करने की बजाय टू बी लिखेंगे 18,000. सो सेलर के लिए अगर ये सेलिंग की है तो सेल्स की एंट्री आ जाएगी. अब सेल करने पर बी को अमाउंट रिसीव नहीं हुई, सो इसलिए वो ए के अकाउंट को डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा सेल्स को. अमाउंट इसके लिए भी 18,000 आएगी. सो नेक्स्ट हमारे पास है ए परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 फ्रॉम बी बाय गेटिंग अ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%. अब ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. सो इस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी? बायर के केस में और सेलर के केस में. सो ए ने परचेज की 20,000 की गुड्स, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ. सो 20,000 के ऊपर अगर हम 10% लगाएंगे तो वो आ जाएगा 2,000. सो 20,000 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे. सो इसका मतलब अब गुड्स जो हैं वो 18,000 की हो चुकी हैं. ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करने के बाद अब उसको कैश डिस्काउंट मिला. सो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही साथ में दिए गए होंगे तब हमें ट्रेड डिस्काउंट पहले अप्लाई करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट अप्लाई करना है. सो आप अगर ऑपोजिट कर देते हैं, सबसे पहले कैश डिस्काउंट अप्लाई करते हैं फिर ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम नेगोशिएट करेंगे उसके बाद ही हम कैश पेमेंट करेंगे. सो इसीलिए ये एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद ही हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा. सो 18,000 की गुड्स के ऊपर अब हमें अगेन कैश डिस्काउंट मिला. सो इसके ऊपर हमें जो 5% का डिस्काउंट मिला है वो हम देख लेते हैं. सो 18,000 के ऊपर 5% हमारा आ जाएगा 900. सो 900 बायर को डिस्काउंट मिला. सो इस केस में हमें याद रखना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट हमें मेंशन नहीं करना होता, लेकिन कैश डिस्काउंट जो मिला वो हमें जर्नल एंट्री में मेंशन करना पड़ता है. सो सबसे पहले बायर के केस में हम परचेज की एंट्री पास कर देंगे. सो परचेज अकाउंट डेबिट. अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है. डिस्काउंट रिसीव करना इसका मतलब हमारे लिए इनकम हो जाना. हमें जहाँ पर 18,000 पे करना पड़ा था लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद अब हमें सिर्फ 17,100 पे करना पड़ेगा. सो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी. सो ये बेनिफिट हमारे लिए इनकम है. सो अगर इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. सो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसलिए हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव करना हमारे लिए एक तरह की इनकम है. क्रेडिट हम किसको करेंगे? बी को करेंगे या फिर कैश करेंगे? सो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैश डिस्काउंट हमें तभी मिलता है जब हम कैश में पेमेंट करने के लिए रेडी होते हैं. सो अब यहाँ पर कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है 5%, इसका मतलब हमने कैश में पेमेंट की होगी. सो अब हम यहाँ पर टू बी करने की बजाय कैश करेंगे. सो हमने 18,000 की गुड्स परचेज की. 18,000 की गुड्स परचेज करने पर हमें 900 का डिस्काउंट मिला जो हमारे लिए इनकम है, और हमने कैश की पेमेंट कर दी 17,100 रुपीज़. सो आई होप अब आपको ये प्रोसीजर पता लग गया होगा. हमने गुड्स परचेज की थी 20,000 वाली,
नेगोशिएट करने पर हमें 10% डिस्काउंट मिला और वो 20,000 की गुड्स अब बन गई 18,000 की। जब हमने कैश की पेमेंट की तो हमें 5% डिस्काउंट और मिल गया, तो अब वो गुड्स हो गई 17,100 की। सो इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। हमने परचेज की 18,000 वाली गुड्स, 18,000 वाली गुड्स परचेज करने पर हमें डिस्काउंट मिला 900 का और हमने कैश की पेमेंट की 17,100 की। इसमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि डिस्काउंट अगर हमें रिसीव हुआ है तो वो हमारे लिए इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। अगर डिस्काउंट हमने अलाउ किया है किसी को तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा और उसको हम डेबिट करेंगे, जो कि सेलर के केस में है। सो सेलर के केस में भी सेम है, 20,000 की गुड्स इसने सेल करनी थी लेकिन 10% इसको डिस्काउंट देना पड़ा और वो गुड्स हो गई उसकी 18,000 की। उसके बाद उसको कैश डिस्काउंट भी देना पड़ा तो वो गुड्स हो गई उसकी 17,100 की। सो अब क्योंकि उसने कैश डिस्काउंट दिया है इसका मतलब उसको कैश मिल गई होगी, सो हम ए को डेबिट नहीं करेंगे, कैश को हम डेबिट कर देंगे। कैश को डेबिट करेंगे अब क्योंकि उसने डिस्काउंट अलाउ किया है वो उसके लिए लॉस है। पहले उसको जहां पर 18,000 मिलना था लेकिन अब उसको 900 लेस करके मिलेगा, सो इसका मतलब उसको 17,100 रुपीस मिलेंगे जो कि उसके लिए लॉस है, डिस्काउंट देना उसके लिए लॉस है, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। उसने क्या की है, सेल्स, तो यहाँ पर हम टू सेल्स, कैश उसके पास आई 17,100 रुपीस, डिस्काउंट उसको देना पड़ा 900 का और गुड्स उसने सेल की 18,000 वाली। सो फोर्थ हमारे पास सेम ऐसी ही सिचुएशन है। ए परचेज गुड्स ऑफ रुपीस 20,000 फ्रॉम बी बाय गेटिंग अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, लेकिन साथ में लिखा है ऑन कैश। अब सेकेंड जो एंट्री थी और जो फोर्थ एंट्री है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि 20,000 की गुड्स परचेज की ए ने, जिसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट मिला और उसकी पेमेंट जो है वो उसने कैश में की है लेकिन उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिला। सो सिंपल सी बात है, ए ने परचेजिंग की है, परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 20,000 की गुड्स थी, डिस्काउंट मिलने के बाद वो रह गई 18,000 की। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा गया ऑन कैश तो इसका मतलब हम यहाँ पर बी के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने कैश में पेमेंट कर दी है। हमें कैश में पेमेंट करने के बाद कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ इसलिए हम उसको मेंशन नहीं कर सकते। सो ये सिंपल सी एंट्री थी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। Acquired the running business of Max for rupees 50,000 by taking over the following assets and liabilities. अब इसका मतलब है कि हमने किसी Max person के नाम का एक business purchase किया और बदले में उसको cash की payment की 50,000. जब हमने उस business को acquire किया, जब हमने उस business को purchase किया तो हमें ये liabilities और assets मिल गई। So इसमें confuse होने की कोई बात नहीं है। जैसे हम बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट करते हैं और उस कैश से हम मार्केट में जाकर अपनी एसेट्स परचेज करते हैं तो ये एक वही सिचुएशन है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने मार्केट में जाके एसेट्स परचेज नहीं की, हम किसी की बिल्डिंग में चले गए, किसी के बिजनेस के अंदर चले गए और उसको कह दिया कि हमने आपका बिजनेस परचेज करना है 50,000 का। तो जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो हमें मार्केट में जाकर सेपरेट से एसेट्स परचेज नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि एसेट्स तो ऑलरेडी उनके पास पड़ी होंगी। सो सिंपल छोटा सा डिफरेंस है, हम मार्केट में पर्सनली जाकर एसेट नहीं परचेज कर रहे, हम किसी के पास जाकर उसका पूरा बिजनेस ही परचेज कर रहे हैं और वो बिजनेस है 50,000 का। सो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी? सो जो हमने एसेट्स परचेज की उस बिजनेस से उनको हम डेबिट करेंगे और जितनी उस बिजनेस की लायबिलिटीज थी उसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्यों करना है, क्रेडिट क्यों करना है ये तो आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि एसेट्स हमारी डेबिट बैलेंस की होती हैं इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट बैलेंस की होती हैं इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट एसेट हमारे पास आती है स्टॉक ऑफ गुड्स
15,000. सो स्टॉक हमारे पास आ रहा है बिजनेस में, एसेट है, एसेट को इंक्रीज होने पर हम उसको डेबिट करते हैं. कैश भी हमारे पास आ रही है जो बिजनेस में पड़ी हुई है, तो वो भी एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे. अगर डिक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं. फर्नीचर के बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेटर्स. सो डेटर के अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे. मशीनरी, सो ये हमारे पास थी एसेट्स. लास्ट हमारे पास है लायबिलिटी, क्रेडिटर्स. इसका मतलब कि जो बिजनेस हमने परचेज किया उसकी कुछ लायबिलिटी थी, उसने किसी को पैसे देने थे. अब क्योंकि वो बिजनेस हमने परचेज कर लिया है इसलिए वो लायबिलिटी अब हमारी है. सो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे. टू क्रेडिटर्स 15,000. इसके अलावा हमने कैश की पेमेंट की. अब वो कैश की पेमेंट हमने इसलिए की ताकि हम बिजनेस को परचेज कर सकें. सो बिजनेस को परचेज कर सकें इसलिए वो हमने एक्सपेंसेस किए. तो वो एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस नहीं, वो हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है. सो ये जो चीज़ है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है. वो 50,000 को एक्सपेंस समझ के कैश को डेबिट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे हम अपने बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट करते हैं तब हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो जब हम बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट करते हैं तब हम ये जनरल एंट्री पास आउट करते हैं. अब इस केस में हमने क्या किया है कि हमने कैश इन्वेस्ट नहीं की, हमने स्टॉक को इन्वेस्ट किया, हमने फर्नीचर को, डेटर को, मशीनरी को और इन सब के साथ कैश को इन्वेस्ट किया एक बिजनेस से परचेज करके. सो इसका मतलब ये 50,000 हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि इन 50,000 से हमने कुछ खर्चा नहीं किया बल्कि अपने बिजनेस के लिए ये सभी चीज़ें परचेज की हैं. सो इसलिए ये 50,000 हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. सो अब हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर जाएगा. सो ये एक जर्नल एंट्री थी जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती थी. जितनी भी एसेट्स हमने परचेज की उसको हम डेबिट करेंगे, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज आई उसको हम क्रेडिट करेंगे और जितना हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में इन सभी को परचेज करने के लिए उसको हम कैपिटल कहेंगे, वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. सो ये जो जर्नल एंट्री है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मेरे से पूछा था इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ. क्योंकि ये जर्नल एंट्री थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो सकती है कि अगर हमने बैंक में से कैश को विड्रॉ किया तो जर्नल एंट्री क्या आती है, जब हमने बैंक में कैश को डिपॉजिट कराया तो जर्नल एंट्री क्या आती है. सो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कह सकते हैं. सो सबसे पहले हमने कैश को विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए. सो ऑफिस यूज वर्ड इम्पॉर्टेंट है. सो हमने कैश को विड्रॉ किया बैंक में से. सो कैश हमारे पास आई है, हमारी एसेट इंक्रीज हुई है, जितनी अमाउंट हमारे पास होगी उसको हम डेबिट कर देंगे. दूसरी तरफ हमारी एसेट डिक्रीज हो गई है, बैंक जो था उसमें से अमाउंट हमने विड्रॉ करवाई है इसलिए बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा. सो ये उसकी एंट्री आ जाएगी. सो इसके ऑपोजिट अगर हम बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. सो बैंक के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. कैश डिपॉजिट कराने पर इन हैंड कैश जो हमारे पास है, जो हमारे हाथ में कैश है, वो डिक्रीज हो जाएगा इसलिए कैश को हम क्रेडिट कर देंगे. इसके साथ ही हमारे पास एक और जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो जर्नल एंट्री क्या आएगी. तो सिंपल सी बात है, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जब हमें लोन देगा तो हमारे हाथ में कैश आ जाएगा.
सो कैश हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। सो हमारे पास ये जो कैश आया ये हमारा नहीं था, ये बैंक का था, बैंक ने लोन दिया था, हमें बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। सो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। लाइबिलिटी किस चीज़ की? बैंक के लोन की। सो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही अगर हमने बैंक का लोन रिटर्न किया है, वापस किया है जो प्रीवियसली हमने लिया था, तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है। और जगह अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। सो बैंक लोन को हम डेबिट कर देंगे। और बैंक का लोन हमने कैसे पे किया होगा? कैश से। कैश हमारी एसेट है, एसेट हमने पे की है बैंक लोन को पे करने के लिए, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। सो अगर हम ऑफिस यूज़ के लिए करते हैं तो वो बिजनेस यूज़ हो गया, लेकिन अगर हम उसको प्राइवेट यूज़ करने के लिए विड्रॉ करवाते हैं तो वो हमारी ड्राइंग्स हो जाती हैं। सो इसलिए हम कैश को डेबिट नहीं करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब क्योंकि ये हमने बैंक से विड्रॉ करवाई है तो बैंक बैलेंस कम होगा, इसलिए हम क्रेडिट जो है वो बैंक को ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्रूअल ऑफ सैलरी ऑफ टू स्टाफ्स एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर ₹10,000 ईच। अब इसमें हमें कहा गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के टू स्टाफ मेंबर्स की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग रहती है। हर एक मेंबर को 10,000 मिलता था। सो इसका मतलब टू स्टाफ मेंबर हैं, सो दोनों को अगर मिलाएं तो 20,000 की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सो इसमें सिंपल सा केस है कि अगर हम सैलरी पे कर दें तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या आती है, और अगर हम सैलरी पे ना करें तो जर्नल एंट्री क्या आएगी। सो अगर हम पेमेंट कर दें तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। अब हमने सैलरी पे कर दी है तो कैश में की होगी या बैंक से की होगी? अगर कैश में की है तो टू कैश आएगा, अगर बैंक से की जाएगी तो टू बैंक आ जाएगा 20,000। लेकिन अगर हमने कैश की पेमेंट नहीं की, एक्रूअल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, सो आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो सिंपल जर्नल एंट्री आएगी, सैलरी तो हमारा लॉस ही है, हमारा एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी का अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे ही, चाहे हमने पेमेंट की है चाहे हमने पेमेंट नहीं की, सैलरी का अकाउंट हमारा डेबिट ही होगा। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हमने सैलरी पे कर दी होगी तो उसको हम टू कैश या टू बैंक लिखेंगे, अगर हमने नहीं पे की होगी तो हम उसको आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो सिंपल सी बात है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमने सैलरी किसी को पे करनी है। कोई भी चीज़ किसी को पे करनी होती है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। सो सिंपल सा डिफरेंस है, अगर हमने सैलरी पे कर दी है तो टू कैश आ जाएगा, और अगर हमने सैलरी पे नहीं की है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी परचेज्ड ऑन 31st July 2017 फॉर ₹1,00,000 एट द रेट 10%। सो हमने मशीन परचेज़ की है 31st July 2017 को 1,00,000 की, जिसके ऊपर 10% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब इस केस में हमें डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है, ऐसा नहीं लिखा है। सो आप परचेज़ करने की जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं और डेप्रिसिएशन की भी पास कर सकते हैं। सो परचेज़ करने की जर्नल एंट्री सिंपल आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पर्सन का नेम नहीं लिखा है हमने किससे परचेज़ की है, तो इसका मतलब हमने कैश में परचेज़ की है। सो इसीलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या आएगी वो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 1st April 2017 टू 31st March 2018। अगर ऐसा नहीं भी दिया जाता तो भी आपको ये समझ आ जाना चाहिए था कि अगर हमने 31st July 2017 को परचेज़ की है तो ये फाइनेंशियल ईयर
हमारा 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2018 को एंड होगा। सो इस केस में सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की जाए, क्योंकि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पास करना तो ईजी है, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो सबसे पहले हम अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1 लाख की हमने मशीनरी परचेज की, उसके ऊपर 10% हमें डेप्रिसिएशन लगानी है। लेकिन डेप्रिसिएशन आपको इतना पता होना चाहिए कि जितनी देर हमने मशीनरी को यूज़ किया उतनी देर के अकॉर्डिंग, उतने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। सो हमने कितने पीरियड तक उसको यूज़ किया ये कैलकुलेट करना भी इम्पोर्टेंट है। हमने 31 जुलाई 2017 को परचेज़ की, सो इसका मतलब 31 जुलाई, जुलाई का पूरा मंथ ख़त्म हो चुका है। सो हम जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। जुलाई के बाद हमारे पास आता है अगस्त। अगस्त से लेकर मार्च तक जितने भी हमारे पास मंथ्स हैं, इतने मंथ्स तक हमने उसको यूज़ किया। सो इतने मंथ्स के लिए हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो ये हमारे पास आएगा 8 मंथ्स के लिए। सो टोटल 12 मंथ्स में से हमने उसको 8 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किया। सो इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे। सो ये हमारे पास अमाउंट आएगी 6667। सो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। मशीनरी हमारी एसेट है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर वो डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिव एज चैरिटी। सो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने गुड्स को चैरिटी के लिए डोनेट किया है। सो अगर आप कैश की पेमेंट करते हैं तो हमारे पास सिंपल एंट्री आ जाती है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ये हमारे पास जनरल एंट्री है कैश के लिए कि अगर हमने कैश में किसी को डोनेशन दी है। लेकिन अगर हमने अपनी गुड्स दे दी जो हम सेल करते हैं मार्केट में, उन्हीं को हमने डोनेट कर दिया, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या आएगी? सो डोनेशन की है, डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट करेंगे। लेकिन अब हमने कैश पेमेंट करने की बजाय हमने अपनी गुड्स दे दी, तो गुड्स को हम परचेज कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। सो ये डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ये जनरल एंट्री थी ऐसी जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है कि कैश लिखें या फिर परचेज लिखें। जनरल एंट्री पास करना है ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग है। सो 1500 की हमने गुड्स डोनेट की हैं। सो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है ₹70,000 कैश सेल्स और ब्रैकेट में लिखा है ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। अब इसका मतलब है वो गुड्स जो हमें 50,000 की पड़ती थी वो हमने मार्केट में 70,000 की सेल की है। ये भी ऐसी जनरल एंट्री है जो डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन कन्फ्यूजिंग है। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़ किया गया, जैसे आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ किया गया था कि कैश मेंशन करें या फिर परचेजेस, वैसे यहाँ पर कन्फ्यूज़ किया गया है कि आपने जो गुड्स सेल किए हैं वो 50,000 की है, लेकिन आपने उसको मार्केट में सेल किया 70,000 का। सो ये हमें पता है कि सेल्स की एंट्री क्या आएगी। हमें इतना पता है कि कैश अकाउंट हमें डेबिट करना है और क्रेडिट करना है हमें सेल्स को, लेकिन 50,000 मेंशन करें या 70,000, ये कन्फ्यूजिंग है। सो ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको 70,000 ही मेंशन करना है, क्योंकि आपने गुड्स जो हैं वो मार्केट में 70,000 की सेल की हैं, तो आपको 70,000 ही मेंशन करना पड़ेगा। और बैलेंस का जो 20,000 वो आपका प्रॉफिट है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जितनी की आपने सेल की उतनी की ही जनरल एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट इज़ पेड ऑफ ₹36,000, 12,000 पर ईयर। अब इसमें हमें कहा गया है कि हमने 36,000 का रेंट पे किया, पर ईयर का रेंट जो होता है वो 12,000 है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने 3 इयर्स का रेंट पे किया। सो इसका मतलब हमने एडवांस में पेमेंट की है,
अब यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया गया कि हमने करंट ईयर की पेमेंट की है और प्लस टू ईयर्स की एडवांस में की है या फिर टोटल की टोटल पूरी की पूरी थ्री ईयर्स की हमने एडवांस में की है। सो अगर आपको ये पता लग जाए कि आपने थ्री ईयर्स की एडवांस में पेमेंट की है या फिर आपने वन ईयर की पेमेंट करंट ईयर की है और सेकंड टू ईयर्स की पेमेंट एडवांस में की है तो आपकी जर्नल एंट्री इजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया इसलिए आप दोनों ही जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस अगर हम देखें, अगर हमने थ्री ईयर्स की एडवांस में पेमेंट की है तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो सिंपल सी बात है, हमने रेंट पे किया है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, लेकिन वो रेंट हमने एडवांस में पेमेंट किया है तो एडवांस में पेमेंट की हुई कोई भी चीज़ वो हमें रिटर्न हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी पर्सन को 10 रुपीज़ दे दिए लेकिन नेक्स्ट डे मैंने उसको कहा कि वो 10 रुपीज़ मेरे को रिटर्न कर दिए जाएं, तो इसका मतलब जो भी चीज़ हम किसी को देते हैं एडवांस के तौर पर वो हम उससे रिटर्न मांग सकते हैं। सो क्योंकि हम उसको रिटर्न ले सकते हैं इसलिए वो हमारी एसेट है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि अगर हमने किसी की पर्सन को एडवांस में कोई पेमेंट की है वो हमारी एसेट होगी, वो एसेट इसलिए होगी क्योंकि हम उसको वापस मांग सकते हैं। सो जहाँ से भी हमें इनकम आएगी वो हमारी एसेट होगी। ऐसे ही इस केस में भी हमने 36,000 जो पे किया वो हम वापस मांग सकते हैं, वो हमारी इनकम हो जाएगी और उसको हम एसेट कहेंगे। सो हम रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 36,000 से। रेंट पे करना हमारा एक्सपेंस है, हम इसलिए डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंट पे करना हमारी एसेट है क्योंकि हमने रेंट को एडवांस में पे किया है इसलिए मैंने डेबिट किया। सो हमने पेमेंट कैश में की होगी तो कैश, अगर बैंक से की होगी तो टू बैंक। सेकेंड केस हमारे पास आ सकता है 1+2, मतलब वन ईयर की पेमेंट हमने करंट ईयर की है और आने वाले टू ईयर्स की हमने एडवांस में की है। तो इस केस में सिंपल है, रेंट जो हमने पे किया है इस ईयर के लिए वो हमारा एक्सपेंस है, उसको हम रिटर्न नहीं मांग सकते। सो एक्सपेंस है इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया 12,000 से। आने वाले टू ईयर्स में जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दी वो हमारी एडवांस पेमेंट है, रेंट पेड इन एडवांस, उसको मैंने डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो हमारी एसेट है और मैं उसको रिटर्न मांग सकता हूँ 24,000। कैश में पेमेंट की है तो कैश, अगर बैंक में की है तो बैंक। सो नेक्स्ट हमें ऐसी ही जनरल एंट्री पूछी गई है, रेंट इज पेड ऑफ ₹36,000 एज एडवांस। सो 36,000 हमने रेंट पे किया और वो पूरा का पूरा रेंट एडवांस में है। सो अगर वो पूरा का पूरा एडवांस में है तो यही जर्नल एंट्री पास की जाएगी, रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो हमारी अब एसेट है। कैश में पेमेंट की है तो कैश, अगर चेक से की है तो टू बैंक। सो नेक्स्ट हमारे पास है पेड ₹60,000 कैश ऑन द परचेज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹80,000। सो हमने कोई इक्विपमेंट परचेज की अपने बिजनेस के लिए जिसकी कॉस्ट थी 80,000 लेकिन हमने उसको 60,000 ही कैश में पेमेंट की है। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज रिकोगनाइज्ड एज अ वन ईयर नोट पेएबल विद इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एन। जो बाकी का बैलेंस 20,000 है उसके लिए हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। सो इसके रिगार्डिंग हमें जनरल एंट्री पास करनी है। सो सबसे फर्स्ट एंट्री जो आएगी वो है परचेज करने की। सो हमने परचेज़ की है इक्विपमेंट, सो इक्विपमेंट हमारा स्टॉक नहीं है, हमारी गुड्स नहीं है, ये हमारी एसेट है और एसेट को हम नेम से डोनेट करते हैं इसलिए इक्विपमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, परचेज़ को नहीं। सो हमने इक्विपमेंट परचेज़ की 80,000 वाली। अब इस 80,000 में से 60,000 हमने कैश में पेमेंट कर दिया और बाकी 20,000 के लिए हमने बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया। सो ये हमारा बिल्स पेबल है। सो बिल्स पेबल अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें आपको बिल्स पेबल का मीनिंग क्लियर हो जाएगा।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो ये हमारे पास जनरल एंट्री आ गई इक्विपमेंट को परचेज करने की। अब नेक्स्ट हमें जो कहा गया है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें नहीं कहा गया कि हमने 20,000 की पेमेंट कब पे की, हमें नहीं बताया गया कि 20,000 की पेमेंट हमने 6 मंथ्स के बाद पे कर दी या 1 ईयर के बाद पे की या नेक्स्ट ईयर में पे की। सो ये हमें कुछ नहीं बताया गया। सो ये हमारे लिए सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर हम सिर्फ इक्विपमेंट को परचेज करने की एंट्री पास करेंगे। 20,000 को हमने कब पे किया ये हमें नहीं बताया गया, तो इसकी हम एंट्री पास नहीं कर सकते। सो अगर हमें बताया गया होता कि कैसे पेमेंट करनी है 20,000 की तो हम क्या करते। सो ये हमने नेक्स्ट सिचुएशन ली है, पेड अमाउंट फॉर इक्विपमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। सो सिंपल सी बात है, हमने इक्विपमेंट 80,000 की परचेज की, उसमें से हमने 60,000 कैश में पेमेंट कर दी। जो 20,000 की पेमेंट है वो हमने 3 मंथ्स के बाद पे कर दी। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और वो इंटरेस्ट रेट है 9%। सो सिंपल, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना बनता है। सो हमने 20,000 का लोन लिया था जिसके ऊपर उसने 9% इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया, लेकिन ये 9% पर एनम का है, फुल ईयर का है, लेकिन हमने फुल ईयर के लिए नहीं किया, हमने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही लोन लिया। सो 12 मंथ्स में से हमें 3 मंथ्स के लिए लोन चाहिए था, इसलिए हमने 3/12 अप्लाई कर दिया। सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास अमाउंट आएगी 450। सो इसका मतलब अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, सबसे पहले 20,000 को पे करने की। सो बिल्स पेबल हमने पे कर दिया, सो बिल्स पेबल को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पर हम उसको डेबिट कर देंगे। 20,000 का बिल पेबल हमने कैश पेमेंट कर दी। इसके साथ ही हमने इंटरेस्ट भी पे किया। इंटरेस्ट पेमेंट करना हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे। कैश में पेमेंट की है इसलिए हम कैश लिख देंगे। सो इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी पास की जा सकती है। सो कंबाइन एंट्री के लिए सिंपल है, बिल्स पेबल हम कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट जो हमने पे किया वो हमारे लिए एक्सपेंस है उसको डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल की अमाउंट थी 20,000 और इसकी थी 450। कैश में पेमेंट की है दोनों ही चीज़ों की, इसलिए कैश आ जाएगा। अगर बैंक से की होती तो टू बैंक आ जाता। सो ये हमारे पास थी थोड़ी नॉर्मल टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज, जिसमें कुछ जर्नल एंट्रीज थी जिसमें आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया गया, कुछ जर्नल एंट्रीज थी जिसमें आपको कन्फ्यूजन के बारे में बताया गया कि अगर आपको कन्फ्यूजन आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं जो कि इनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जर्नल एंट्रीज थोड़ी लेंथी है और प्रोसीजर वाइज हैं। सो ये है हमारे पास सेकेंड पार्ट, जिसमें हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ मशीन कॉस्टिंग ₹2,00,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 May 2016। टू ब्रिंग दिस एट फैक्ट्री वी पेड अ कैरेज ऑफ ₹5,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000। सो हमने एक मशीन परचेज की 2 लाख की 1 May 2016 को। उस मशीन को अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए हमने कैरेज पे किया 5,000, अदर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिस पे किए 15,000। After using it, they sell it on 1 June 2017 for ₹1,39,000. For selling, the broker charged ₹5,000 as commission. So, एक long period use करने के बाद हमने उस machine को 1,39,000 का sell कर दिया 1 June को। उसको sell करने के लिए हमें commission pay करनी पड़ी 5,000 की। द मशीन इज ऑल्सो डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो डेप्रिसिएशन को हमने मशीन को हमने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग, और मेथड होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो ये जर्नल एंट्रीज स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आती है, जिनको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन से हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, ये आता है।
अगर आपको डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें मैंने डिटेल में अंडरस्टैंड किया है कि डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस कैसे करनी है और उसको सॉल्व कैसे किया जाए। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था सेम वैसा ही है। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें भी हमने मशीन परचेज की थी, सेल की थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, सेलिंग एजेंट को कमीशन पे की थी। बस इसमें डिफरेंस इतना था कि हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई थी, लेकिन इसमें हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सो ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डेप्रिसिएशन आता है। सो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताई उसके अकॉर्डिंग, एक लॉजिक के अकॉर्डिंग, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए और मेरी फेसबुक आईडी पर इसकी इमेज जो है मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं बता सकूं वो करेक्ट है या नहीं। अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो मैं आपको उसकी इमेज सेंड करके इसका आंसर बता दूंगा। सो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। जेड कंपनी हायर्स 10 एम्प्लॉयज़ फॉर रुपीज़ 5,000 ईच। सो जेड कंपनी है, उसने अपने 10 एम्प्लॉयज़ हायर किए और ईच एम्प्लॉय को वो 5,000 पे करते हैं। दे पेड 2 एम्प्लॉयज़ इन एडवांस अलॉन्ग विद करंट पेमेंट। दे पेड अदर 2 एम्प्लॉयज़ फॉर देयर करंट पेमेंट ओनली। दे डू नॉट पे टू द रिमेनिंग एम्प्लॉयज़। सो अब इस केस में हमें कन्फ्यूजन है कि कितने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर दी, कितने एम्प्लॉयज़ को एडवांस में पेमेंट की है और कितने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की ही नहीं गई। सो सबसे पहले हमें यही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पेमेंट कितनों को की गई है, कितनों को एडवांस की गई है और कितनों को पेमेंट नहीं की गई। सो टोटल हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ को हम करंट और एडवांस में डिवाइड कर लेते हैं। करंट, एडवांस और थर्ड हमारे पास होगा आउटस्टैंडिंग। सो सबसे पहले हमें कहा गया है कि 2 एम्प्लॉयज़ को हमने एडवांस में पेमेंट कर दी और साथ में उनकी करंट पेमेंट भी कर दी। सो इसका मतलब 10 में से 2 एम्प्लॉयज़ को हमने करंट पेमेंट कर दी और उन्हीं 2 एम्प्लॉयज़ को हमने एडवांस में भी पेमेंट कर दी। सो इसका मतलब ओवरऑल अभी तक हमने सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ को ही पेमेंट की है, क्योंकि 2 और 2 4 एम्प्लॉयज़ नहीं करना। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। आप 2+2 करके ये कह सकते हैं कि 4 एम्प्लॉयज़ को हमने पेमेंट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने 2 एम्प्लॉयज़ को ही पेमेंट की है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि 2 एम्प्लॉयज़ को हमने पेमेंट की एडवांस पर और उन्हीं 2 एम्प्लॉयज़ को हमने करंट की पेमेंट भी की। सो हमने 2 एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है दे पेड अदर 2 एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर बाकी 2 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी बात की जा रही है। दे पेड अदर 2 एम्प्लॉयज़ फॉर देयर करंट पेमेंट ओनली। सो बाकी जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ करंट पेमेंट की गई, उनको एडवांस में पेमेंट नहीं की गई। नेक्स्ट हमारे पास है दे डू नॉट पे टू द रिमेनिंग एम्प्लॉयज़। और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ बच गए उनको कुछ भी पेमेंट नहीं की गई। सो बाकी के कितने एम्प्लॉयज़ बच जाते हैं, 10 में से 4 को पेमेंट कर दी हमने। सो 6 हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको पेमेंट नहीं की गई। सो इसका मतलब उनकी आएगी आउटस्टैंडिंग में। सो ये हमारे पास सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ को कितनी पेमेंट की गई। सो सबसे पहले हम इन सब की जनरल एंट्रीज पास करते हैं। सो सबसे पहले हम ये केस उठाते हैं। अब इस केस में 2 एम्प्लॉयज़ को करंट की पेमेंट की गई, ईच एम्प्लॉय को हम 5,000 पे करते हैं, तो इसका मतलब टोटल हो गया 10,000। इन्हीं सेम एम्प्लॉयज़ को हमने एडवांस में भी पेमेंट की है, 2 एम्प्लॉयज़ को 5,000 हम ईच एम्प्लॉय को पे करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 10,000। सो ये हमारे पास आ गया करंट की पेमेंट और ये हमारे पास आ गई एडवांस। सो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था कि अगर एडवांस में कोई भी पेमेंट की जाएगी तो वो हमारी एसेट होती है, क्योंकि हम उसको वापस मांग सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इसके जनरल एंट्री पास करते हैं. सो जो हमने करंट पेमेंट की है, इस ईयर की पेमेंट की है, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया. एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे. सो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 से ये वाली, और जो एडवांस में पेमेंट की उसको हम लिखेंगे सैलरी पेड इन एडवांस 10,000. अगर कैश ने पेमेंट की है तो कैश, अगर बैंक से की है तो टू बैंक. सो ये फर्स्ट हो गई हमारी. सेकंड, हमसे कहा गया है कि अदर टू इम्प्लॉयज को हमने सिर्फ करंट की पेमेंट की है, एडवांस में उनको कुछ पेमेंट नहीं की. सो हमारी ये जनरल एंट्री आ जाएगी. करंट में हमने टू इम्प्लॉयज़ को पेमेंट की, ईच इम्प्लॉय को हम 5,000 पे करते हैं, तो इसका मतलब हमने 10,000 की पेमेंट कर दी. सो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट. सेकंड हमारे पास आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट. अब क्योंकि एडवांस में पेमेंट नहीं की, इसलिए हम सैलरी इन एडवांस नहीं लिख सकते. नेक्स्ट हमारे पास है 6 इम्प्लॉयज़ को हमने करंट की पेमेंट भी नहीं की, एडवांस की भी पेमेंट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दे डू नॉट पे टू द रिमेनिंग इम्प्लॉयज़. रिमेनिंग इम्प्लॉयज़ को कुछ भी नहीं पे हुआ. सो इसका मतलब उनकी सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है. सो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, सॉरी लाइबिलिटी है. सो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. सो सिंपल, ये हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में. हमने सैलरी पे करनी है 6 इम्प्लॉयज़ को, ईच इम्प्लॉय को हम 5,000 पे करते हैं, तो 6 इम्प्लॉयज़ का हमारे पास आ गया 30,000. हमने 30,000 की सैलरी पे करनी है. अगर हमने कैश में कर दी होती तो टू कैश आता, लेकिन हमने कैश में नहीं की, इसलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा. सो ये हमारे पास हो गई तीनों की जर्नल एंट्रीज. लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि इनको हमें कंबाइन पास करना है, क्योंकि ये तीनों ही सैलरी से रिलेटेड हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट, मैंने आपको बताने के लिए, कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्री पास की है, लेकिन आपको कंबाइन एंट्री पास करनी है. कंबाइन एंट्री कैसे पास की जाएगी? सो सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा 10,000 से, यहाँ पर भी सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20,000. सो सैलरी को हम डेबिट कर देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000. सैलरी जो हमने एडवांस में पेमेंट की है वो 10,000 है, और कहीं पर भी वो नहीं है. सो सैलरी इन एडवांस लिख देंगे. सैलरी अकाउंट हमारा यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है, सो इसको भी हम ऐड करेंगे, ये हमने ऐड नहीं किया. सो 20 में हम 30 और ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 50. सो इसके बाद हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, 20 प्लस 10 30. सो यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश 30. लास्ट हमारे पास रह जाता है जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी हम क्रेडिट कर देंगे. सो ये हमारे पास बैलेंस आ गया 60 और 60,000 का. नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000. बी पेड 5,000 एवरी मंथ आफ्टर पेइंग 10,000. B is not able to pay anymore. So, सबसे पहले हमें A जर्नल एंट्री को पास करना है. हमने गुड्स सेल की B को क्रेडिट बेसिस के ऊपर. सो गुड्स को सेल करने की एंट्री सिंपल है, जिसको हमने क्रेडिट पर सेल की उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू सेल्स. अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि बी ईच मंथ 5,000 पे करेगा. सो हमें बाद में कहा गया है कि बी ने 10,000 तो पे कर दिया, लेकिन बैलेंस का जो अमाउंट है वो उसने पे नहीं किया. सो इसका मतलब वो बैड डेट्स हो गए.
सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी कैश को रिसीव करने की. सो ये हमारे पास होगी फर्स्ट मंथ की कैश अकाउंट डेबिट टू बी. सेकेंड हमारे पास हो गई सेकेंड मंथ की, जो कि सेम ही आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी. नेक्स्ट जब थर्ड मंथ आया तो बी ने कुछ नहीं पे किया, जब फोर्थ मंथ आया तो भी बी ने कुछ नहीं पे किया. सो उससे हमने ये आइडिया लगा लिया कि बी इज़ नॉट एबल टू पे एनी मोर. अब बी हमें पे नहीं कर सकता, इसका मतलब जो हमारे 10,000 बैलेंस रह गए वो हमारे हो गए हैं बैड डेट्स. सो बैड डेट की एंट्री हम पास कर देंगे. सो बैड डेट होना हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे पैसे डूब जाना एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए हम बैड डेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. डेबिट क्यों किया? क्योंकि बी पेमेंट नहीं कर सकता. सो बी को हम क्रेडिट कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे. सो बी को हमने 20,000 की सेलिंग की, 20 में से उसने 5,000 पे कर दिया, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. फिर उसने 5,000 पे किया, हमने अगेन उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. अब क्योंकि उसने कैश पेमेंट नहीं की सो इसलिए हमने उसको बैड डेट समझ के राइट ऑफ कर दिया. अगर उसने कैश की पेमेंट कर दी होती तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट टू बी करते, लेकिन अब उसने कैश में पेमेंट नहीं की, वो हमारा बैड डेट हो चुका है, इसलिए हमने उसको बैड डेट में राइट ऑफ कर दिया. नेक्स्ट हमसे कहा गया है आफ्टर अ लॉन्ग गैप बी पेड 20 पैसा इन अ रुपी फॉर फुल सेटलमेंट. बहुत देर बाद बी हमारे पास दोबारा आया और उसने कहा कि मेरे पास 20 पैसा इन अ रुपी पड़ा है, अगर उससे आपकी सेटलमेंट होती है तो वो मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ. सो 20 पैसा इन अ रुपी का मतलब है 20 पैसा और 1 रुपी में 100 पैसा होता है, तो 20/100, इसको हम 20% भी कह सकते हैं. सो बी ने 20% देने के लिए हमें कहा. सो 10,000 हमने उससे लेना था जो कि हमारा बैड डेट हो चुका था. 10,000 का 20% उसने पे कर दिया, इसका मतलब 2,000 उसने पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट के लिए. अब क्योंकि हमें 2,000 आ रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारी एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं. क्रेडिट हम करेंगे बैड डेट्स रिकवर 2,000. सो हमने जो 10,000 को बैड डेट समझ लिया था उसमें से हमें 2,000 रिसीव हो गया है, इसलिए हम इसको टू बैड डेट्स रिकवर लिखेंगे. सो बैड डेट्स रिकवर होना हमारे लिए इनकम है. जो पैसे हमारे डूब चुके थे, हमें उम्मीद ही नहीं थी हमें कुछ मिलेगा, उसमें से भी हमें 2,000 मिल गया, तो वो हमारे लिए इनकम है. इनकम को हम क्रेडिट करते हैं. सो ये हमने क्रेडिट कर दिया. लास्ट हमारे पास है फोर्थ. मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस. सो फर्स्ट सबसे पहले हम गुड्स को सेल करने की एंट्री पास करते हैं. सो आर ने सोल्ड की है एस को, क्रेडिट बेसिस के ऊपर सेल की गई होगी सो इसलिए एस के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब क्योंकि हमने सेल्स की है और सेल्स करने पर हमें डिस्काउंट देना पड़ा है तो ये हमारे लिए लॉस है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है. सो ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं सो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. 60,000 के ऊपर हमने 10% का डिस्काउंट दिया सो 6,000 हमें डिस्काउंट देना पड़ा. 60,000 की चीज़ अब हमने 6,000 लेस करके सेल की सो वो हमारे पास आ जाएगा 54,000. नेक्स्ट हमसे कहा गया है मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड. सो जो आर ने गुड्स सेल की थी एस को उसमें से 10% गुड्स उसने रिजेक्ट कर दिए हैं. अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आएगी कि 10% हम इसका लें 60,000 का जो हमारा प्रीवियस प्राइस था या फिर जो न्यू प्राइस मिला ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसको लें. सो आपको ये याद रखना है यहाँ पर हमें कितनी गुड्स सेल की गई हैं ये नहीं बताया गया.
अगर हमसे कहा जाता कि 10,000 गुड्स सेल की हैं तो हम सिंपली इसके ऊपर 10% अप्लाई करते, इसका मतलब उसने 100 गुड्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दी। लेकिन यहाँ पर हमें गुड्स की क्वांटिटी नहीं बताई गई, सो क्योंकि गुड्स की क्वांटिटी नहीं बताई गई इसलिए हम 54,000 का ही 10% लेंगे, क्योंकि अब जो सेलिंग प्राइस है वो 60,000 नहीं है इसलिए हम 60,000 को नहीं ले सकते। 54,000 न्यू सेलिंग प्राइस है इसलिए 54,000 का हम 10% लेंगे। सो 54,000 की 10% गुड्स जो हैं वो उसने रिटर्न कर दी, रिजेक्ट कर दी। सो रिजेक्ट करना, जिस पर्सन ने रिजेक्ट की है उसके लिए वो परचेज रिटर्न होगी, लेकिन हमारे लिए वो सेल्स रिटर्न है। सो सिंपल है, आर ने गुड्स सेल की एस के लिए, हम आर के बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो आर के लिए वो सेल्स रिटर्न है। कैसे? क्योंकि आर ने जो गुड्स सेल की वो उसी के पास रिटर्न कर दी गई, तो इसलिए ये उसकी सेल्स रिटर्न बन गई। सो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एस, अमाउंट यहां पर आएगी 54,000 का 10%, 5400। आई होप अब आपको ये पता लग गया होगा। इसमें कन्फ्यूजन इस रिगार्डिंग थी कि अगर हमें क्वांटिटी नहीं दी जाएगी तो रिटर्न की रिजेक्शन रेट हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, 60,000 के ऊपर या फिर 50,000 के ऊपर। सो हमारा आंसर है 54,000 के ऊपर। सो ये हमारी गुड्स रिटर्न हो गई बी पॉइंट में। सी हमारे पास आता है, आर्स टोटल ड्यूज वर क्लियर्ड बाय चेक। सो आर को जितनी पेमेंट करनी थी एस ने वो पेमेंट कर दी चेक के द्वारा। इंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 ऑन द पेमेंट मेथड। अब क्योंकि एस ने चेक के द्वारा पेमेंट की है इसलिए उसको आर ने कुछ डिस्काउंट दिया है। सो वो डिस्काउंट है ₹1,000 का। सो इसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले तो आर को पेमेंट रिसीव हुई है, चेक से रिसीव हुई है इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। दूसरा, उसको डिस्काउंट देना पड़ा। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्काउंट देना पड़ा या फिर हमें मिला, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। सो क्योंकि हमने यहाँ पर गुड्स को सेल की है, सेल करने पर हम डिस्काउंट देते हैं, सो हमने उसको यहाँ पर ₹1,000 का डिस्काउंट दिया। सो ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अगर डिस्काउंट रिसीव होता तो हम उसको क्रेडिट करते टू एस। सो 50, यहाँ पर कैलकुलेशन करना इम्पोर्टेंट है। 54,000 की गुड्स थी, पहले वो 60,000 की थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो वो 54,000 की होगी। 54,000 में से उसने 5400 की रिटर्न कर दी। 5400 की रिटर्न करने के बाद हमने उसको 1,000 का डिस्काउंट भी दे दिया। सो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी पेमेंट यहाँ पर मिली और कितनी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 47,600। सो 47,600 उसको रिसीव हुआ जिसमें से 1,000 उसका था डिस्काउंट। टोटल हमने उससे लेना था 48,600। सो ये सिंपल सी जनरल एंट्री थी। फर्स्ट हमने गुड्स को सेल किया, सेकंड उसने कुछ रिटर्न कर दी, रिटर्न करने के बाद हमने उसको डिस्काउंट दिया। सो 48,600 हमने रिसीव करना था जिसमें से 1,000 उसको हमने डिस्काउंट दे दिया और बैलेंस हमने उससे रिसीव कर लिया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड किया जाए उसके बारे में बात की। सिर्फ डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्रीज़ के बारे में नहीं बात की, इसमें हमने वो जर्नल एंट्रीज़ को भी देखा जो आपके लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती हैं, डेबिट किसको किया जाए, क्रेडिट किसको किया जाए। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी जर्नल एंट्री समझ नहीं आती है, चाहे आप जहाँ से मर्जी लेकर आइए, चाहे आपके पास बुक है, चाहे आपको किसी टीचर ने जर्नल एंट्री दी है, अगर आपको वो समझ नहीं आती तो कमेंट करके मेरे को बताइए या फिर फेसबुक
आईडी पर उसका लिंक शेयर कीजिए या फिर उसकी इमेज सेंड कीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड कर दूंगा।